नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया टॉप 10 खबरों के और रुक करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। शारदा सिन्हा का आज पटना में अंतिम संस्कार होगा, जेपी नड्डा अर्पित करने जाएंगे श्रद्धांजलि। कमला हैरिस ने स्वीकारी हार, डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर दी जीत की बधाई। कोहली 10 साल बाद टॉप 20 टेस्ट रैंकिंग के बाहर, रोहित 26वें नंबर पर पहुंचे, पंत यशस्वी टॉप 10 में। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही घटनाओं के बीच अमित शाह की अध्यक्षता में आज होगी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति बाइडेन। अमानतुल्ला खान की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। सुप्रिया बोली पवार साहब राजनीति से कभी संन्यास नहीं लेंगे, वो खाते सोते सांस लेते समय भी पॉलिटिक्स करते हैं, अजीत से हाथ नहीं मिलाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टी20 के लिए श्रीलंका टीम का ऐलान, कुशल और मोहम्मद की ओडीआई टीम में वापसी, चामिंडू विक्रम सिंघे दोनों टीम में शामिल। वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों से मिलेंगे जगदम्बिका पाल, जेपीसी के विपक्षी सांसद बोले ये एक तरफा फैसला के ले जाना प्रोटोकॉल के खिलाफ। दिल्ली में जहरीली हुई हवा, आनंद विहार अशोक विहार इलाके में AQI 400 पार। टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।